ऐसा नहीं है। हमारे आदेश का मतलब क्या होता है कि मैं कहीं चलते चलते लिख दूं तो हो जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या मेरा आदेश चलते चलते हो गया तो नियुक्ति हो गई? इसके साथ साथ श्रेणी में भी हमेशा रोजगार का बड़ा मसला रहा है। आप भी जब चुनावी मैदान में थे तो कई वादे किए थे, तो ये 3 साल के बाद आप खुद की सरकार को कहां देते हैं? क्योंकि जेएसएससी से 3 साल में सिर्फ एक एग्जाम हुए, जेपीएससी ने एक एग्जाम लिया 250 दिन में, और वो भी विवाद में रहा, और उसका भी अभी तक मार्कशीट जारी नहीं हुआ। रोजगार के मसले पर सरकार जितना सोच के बनी थी वो काम करता? नहीं, देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि इन सब जेपीसी हो, जेसीसी हो, इसमें किसी में कोई नियमावली नहीं थी। नियमावली बनी, कई बच्चों ने नियुक्तियां भी पाई बड़े पैमाने पर, और जेसीसी और जेपीएससी यही एक माध्यम है जिसको आप रोजगार या नौकरी का रास्ता बता रहे हैं। और भी कई ऐसे व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिया है जो बड़े पैमाने पर है। आज मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों ने 1000 से कम बच्चों को नर्सेज एनएम जीएनएम का नियुक्ति ना दिया हो। वो भी आज के दिन में अच्छे अस्पताल, कोई अपोलो में है तो कोई मेदांता में है तो कोई कहीं है, बड़े संस्थाओं में गए हैं बच्चे, यहां तक कि विदेशों तक में बच्चे चले गए। रिपोर्टेड जो हमारे जो यहां पर जो कौशल विकास के जो काम करते हैं जो समूह है उनके द्वारा, और आपने देखा है कि हम लोगों ने कौन सा एक प्रोग्राम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया जिसमें हम लोगों ने लगभग 11,500 लोगों को नियुक्तियां भी दी थी। तो रोजगार नौकरी के माध्यम से भी है, स्वरोजगार भी है। स्वरोजगार के माध्यम से आज कौन सा काम करना चाहता है, कौन सा युवा सरकार के पास आए, आवेदन ले और रोजगार करे। कई ऐसी नियुक्तियां हैं आपके सरकार के समय से ही वो इंतजार में है, चाहे वो पंचायत सचिव का हो, शिक्षक का हो, चाहे होमगार्ड का हो, कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो सिर्फ आपके आदेश के कारण। ऐसा नहीं है। हमारे आदेश का मतलब क्या होता है कि मैं कहीं चलते चलते लिख दूं तो हो जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरा आदेश चलते चलते हो गया तो नियुक्ति हो गई? ऐसा नहीं होता है। और यही वजह है आप लोग जिस तरीके से उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ अगले ने काम किया, नतीजा आज ये राज्य का इतना बंटाधार हुआ पड़ा। आज हर आदमी को बिना सोचे समझे नियुक्त करना, बिना सोचे समझे उनकी मानदेय फिक्स करना, बिना सोचे समझे उनको आश्वासन देना का परिणाम है कि आज सरकार अपने ही मकड़ जाल में फंस जाती है। अब हमारे कर्मचारी कितने उत्साहवर्धक तरीके से काम कर रहे हैं आज आप देख लीजिए, ओपीएस के लोगों को आज देख लीजिए, पारा शिक्षक लोगों को आज, जो मॉडल स्कूल हम बना रहे जा रहे हैं आज, उस मॉडल स्कूल को बनाने के लिए बिल्डिंग तो बन रहा है वो अलग, जाके पता कीजिए कि उन बिल्डिंगों में जो शिक्षक आएंगे, उन शिक्षक, वो सारे शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में, जिसका आने वाला समय में जो हमारी परिकल्पना है कि शिक्षा को एक बेहतर और मजबूती के साथ स्थापित करने का, उसकी नींव पिलरिंग प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन कुछ जो बैगेज आपको मिलता है वो बैगेज अगर हमारे पास होता कि कोई हमारी ऐसी शक्ति होती कि आपको दूसरे अफसर को ले आए,
दूसरे ये को ले आए तब कोई बात होती, व्यवस्था वही, पदाधिकारी वही। पांच साल हाथी इन लोगों ने उड़ाया, भारत सरकार में एक कलपुर्जा वाला शेर चलाया, शेर तो चला नहीं बेचारा, हाथी तो उड़ा नहीं, अब चीता आ गया है दूसरे देश से। आपने सभी के चेहरे पे मुस्कान लाने की बात कही है, 132 का खतियान लागू करने की बात कही है, 132 के बाद आए हैं, राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया, उनकी कई पीढ़ी यहाँ पे आ गई, तीसरी पीढ़ी, उनके लिए उनके चेहरे पे मुस्कान आए, उस 32 के खतियान लागू होने से उनको नुकसान ना हो, इसके लिए क्या योजना? आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें, हमारा प्रयास है, यहाँ पर लोग जितने लोग आए हैं, और ऐसा नहीं है कि आज के बाद नहीं आएंगे, क्या आप लोग हमें आश्वस्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके बाद भी लोग आएंगे, लेकिन लोगों वो सभी लोग कैसे मान सम्मान और सुरक्षित रहेंगे, उन सब का ख्याल रखा जाएगा। आप चीजों को आगे आने दीजिए, हाँ ये बात जरूर है, 100% में हो सकता है कि 90% लोग सहमत ना हो, सहमत हो, 10% लोग सहमत ना हो, तो उन 10% लोगों को भी कैसे हम संरक्षित करेंगे, इस पर भी उतना ही चिंता होगी जितने 1932 के लोगों के प्रति चिंता होगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in